हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में मैं कुछ खास लेकर के आया आप सबके बीच। खास ये है कि स्टूडेंट्स कमेंट करते रहते हैं, मतलब वीडियोस के सेक्शन में, कि सर नेट क्यों करूं, जेआरएफ क्या क्यों करूं, जॉब हो जाएगी क्या, क्या मुझे पढ़ने के लिए आगे स्कॉलरशिप मिलेगा क्या। तो आज मैं स्कॉलरशिप की झड़ी लगाने वाला हूँ। स्कॉलरशिप की झड़ी मतलब कि यूजीसी के तरफ से कितने स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, उन सभी की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। ठीक है, आपको ले चलता हूं यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये यूजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, फेलोशिप एंड रिसर्च ग्रांट, जो कि यूजीसी के द्वारा अलग अलग स्कीम के तहत दी जाती है, जिसके अंतर्गत एक पहला आप देखेंगे सावित्री बाई ज्योतिराय फूले फेलोशिप फॉर साइंस सिंगल गर्ल चाइल्ड। सावित्री बाई ज्योतिराय फूले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, पहला फेलोशिप याद रखिए, काउंटिंग याद रखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ तीन और हैं, मैं इसको काउंटिंग पे आपके साथ गिनाता हूं कितने स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, और हम लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते। क्यों? जानकारी नहीं है, है ना। दूसरा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, पीएचडी के बाद भी आपको फेलोशिप दिया जाता है, और भी अगर रिसर्च करनी है तो। डॉक्टर डीएस कोठारी रिसर्च ग्रांट फॉर न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी मेंबर्स, थर्ड नंबर का स्कॉलरशिप है। चौथा स्कॉलरशिप ये रहा फेलोशिप, और पांचवा ये रहा। ठीक है, ये पांच तरह के स्कॉलरशिप तो ये हो गए। इसके साथ साथ तीन और मैं नाम बताने वाला हूं। पहला नाम है NFOBC, नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट, ये छठा नाम होगा। साथ में की अगर बात करें तो सातवां होगा आपका NFSC, क्या होगा NFSC, ये आपका सातवां नंबर का फेलोशिप होगा। और आठवें फेलोशिप की अगर हम बात करें तो वो होगा MANF, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। ये आठ प्रकार के स्कॉलरशिप अलग अलग स्कीम के तहत अलग अलग लोगों को दी जाती है, लेकिन उसके लिए एग्जाम कौन सा है? एक ही, यूजीसी नेट। एक सिंगल एग्जाम आपको इतने सारे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल बनाता है। तो क्या आप अब भी तैयारी नहीं करेंगे? अगर अब भी आप तैयारी नहीं करते हैं तो आप अपनी ग्रोथ के लिए खुद दोषी हैं, है ना। सरकार आपके लिए ढेर सारे दरवाजे खोले हुए हैं, आपने अपने दरवाजे खुद बंद किए हुए हैं। बस एक एग्जाम इन सभी दरवाजों को खोलेगा। अगर कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उनको मिल रहा है, ठीक है। पीएचडी आपने कर ली है और आपको रिसर्च करनी है, आपको फिर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर जो न्यूली अभी अभी जो हाल में एग्जाम हुआ है या जो देने वाले हैं, उनको इन तीन के तहत निश्चित रूप से फेलोशिप दी जाती है। और ये सारी फेलोशिप किसके अलावा है? जेआरएफ के अलावा है। किसके अलावा है? जेआरएफ के अलावा ये फेलोशिप है। किसके अलावा? जेआरएफ के अलावा। यूजीसी नेट जो जेआरएफ आप क्वालिफाई करोगे वहां तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर उसके बाद वालों के लिए फेलोशिप तो है ना फायदेमंद आपके पास। या आप जेआरएफ नहीं भी हैं तब भी आपको जेआरएफ के बराबर स्कॉलरशिप मिलेगा। उसी स्कीम के तहत मैं आज इसकी चर्चा करने वाला हूं, एनएफओबीसी की चर्चा करने वाला। इस पर पूरी की पूरी मेरी डिटेल सीरीज आएंगी। आप लोग अगर न्यूली है यूट्यूब चैनल पर तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जैसे ही कोई नया मैं स्कॉलरशिप वाला वीडियो डालूं तो आपको जरूर पता हो, ताकि आप उसको देखेंगे समझ में आएगा कि क्या क्या किया जा रहा है और इसका फायदा कैसे लेना है, और वो भी एक सिंगल एग्जाम के तहत। और अगर आप लोग भी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छा मार्क्स ला करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और सारे के सारे दरवाजे एक चाबी से खोल सकते हैं, ठीक है। तो बिना समय गवाए चलते हैं एनएफओबीसी के तहत। किसके तहत? एनएफओबीसी पर चलते हैं। एनएफओबीसी को जानते हैं कि एनएफओबीसी में क्या है सर? ये रहा एनएफओबीसी का, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ये पीडीएफ डाउनलोड किया है एनएफओबीसी स्कीम के तहत। अब यहां पर दिया हुआ नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट, किसके लिए? ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, केवल ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। दिस स्कीम इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ टोटल नंबर ऑफ 1000 जूनियर रिसर्च फेलोशिप पर ईयर to undertake advanced study and research leading to MPhil, PhD degree who have qualified the following test. मतलब कहने का मतलब ये है
कि आपको हर एक साल 1000 बच्चों को, कितने 1000 बच्चों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप किसके तहत, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट स्कीम के तहत दी जाती है, ठीक है। और उसके लिए क्या करनी है आपको, दो, एक या तो आप यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई हो और सीएसआईआर नेट एग्जाम क्वालिफाई हो। अगर आप साइंस वाले हैं तो आपके लिए क्या है, सीएसआईआर नेट आपको क्वालिफाई करना है। अगर आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले हैं तो आपको क्या करना है, यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। दो एग्जाम को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, तभी जाके मिलेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं इतना बड़ा फायदा क्या है, इतना बड़ा फायदा लेने के लिए एक सिंगल एग्जाम है ना। चलिए आगे और बताता हूं, मजा आएगा। इसको इंप्लीमेंट एजेंसी कौन है, यूजीसी। यूजीसी को नोडल एजेंसी बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, सबसे मेन पॉइंट होता है एलिजिबिलिटी। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप यहां पर खुद पढ़ पाएंगे एलिजिबिलिटी में, इसको बड़ा करता हूं थोड़ा सा, एलिजिबिलिटी में एलिजिबिलिटी कंडीशंस आर एज पर नोटिफिकेशन फॉर यूजीसी नेट एंड सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। द अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर द अवार्ड ऑफ एनएफओबीसी विल एलिजिबल टू रिसीव फेलोशिप सब्जेक्ट टू फाइंडिंग प्लेसमेंट इन द यूनिवर्सिटी आईआईटी इंस्टीट्यूशंस। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ईयर 3 years। जिस दिन आप अवार्ड होंगे, एनएफओबीसी के तहत आप अवार्ड होंगे, उससे 3 साल का समय मिलता है कि आप अपनी दाखिला पीएचडी के अंदर करवा लें, चाहे किसी यूनिवर्सिटी के आईआईटी या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि पीएचडी करवाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द अदर बैकवर्ड क्लास, पहली कंडीशन है कि वो स्टूडेंट्स को अदर बैकवर्ड कैटेगरी का होना चाहिए। उसके बाद आप अदर बैकवर्ड, वंस कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर द फेलोशिप शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी अदर बेनिफिट टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन हाँ, अगर आप एनएफओबीसी का लाभ उठा रहे हो तभी आप एनएफओबीसी आपको दी जाएगी, जबकि आपको कोई अलग स्टेट वाला या सेंट्रल वाला कोई आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा हो, ठीक है। तीसरी कंडीशन देखते हैं, आफ्टर 2 years इफ द प्रोग्रेस इज रिसर्च वर्क ऑफ अवार्ड इन फाउंड सेटिस्फैक्ट्री हिज टेन्योर विल बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 3 years। मतलब 2 साल तक आपको जेआरएफ मिलेगा, 2 साल तक आपको क्या दिया जाएगा, जेआरएफ दिया जाएगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और अगर आपका रिसर्च वर्क अच्छे से चला तो अगले 3 साल के लिए आपको एसआरएफ में कन्वर्ट किया कर दिया जाएगा। और जैसे ही एसआरएफ होंगे अमाउंट भी बढ़ जाएगी, अमाउंट भी मैं दिखाने वाला हूं कितना अमाउंट मिलता है, कितना अमाउंट मिलता है। एटलीस्ट 5% ऑफ द टोटल सीट शुड बी रिजर्व फॉर द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज विच मेकिंग सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर अवार्ड। मतलब 5% सीट इसमें जो है रिजर्व की गई किसके लिए, जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। टोटल सीट शुड बी रिजर्व फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, मतलब जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए क्या कहे, 5% सीट रिजर्व की गई है। इंप्लाई ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेंट्रल स्टेट यूपी गवर्नमेंट सॉरी यूटी गवर्नमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम अवेलिंग द फेलोशिप। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूशन में क्या कर रहे हैं, इंप्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं, तो फिर ये स्कॉलरशिप आप नहीं ले पाएंगे। तो कौन कौन सी कंडीशन हुई, आपको नेट क्वालिफाई करना है, आप अदर बैकवर्ड क्लास के होने चाहिए, बस इतनी मैंडेटरी, और उसके बाद कुछ नहीं। मतलब 2 एलिजिबिलिटी अगर आप हैं और इन दोनों एलिजिबिलिटी को आप फुलफिल कर देते हो तो आपको ये फेलोशिप मिलेगा। कितना मिलेगा फेलोशिप, तो बोला कि द टोटल नंबर ऑफ स्लॉट ऑफ एनएफओबीसी अंडर द स्कीम इज 1000 पर ईयर। आउट ऑफ 1000 स्लॉट अवेलेबल अंडर दिस स्कीम 750 विल बी एलोकेटेड फॉर द सब्जेक्ट अंडर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप नेट जेआरएफ ऑफ यूजीसी एंड रिमेनिंग 250 किसके लिए, सीएसआईआर के लिए। अब आप देखो कि जो साइंस और साइंस वालों के लिए कितना 250 सीट रखा गया, कितना रखा गया 250, और 750 सीट किसके लिए रखा गया है सर, कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए, जो कि क्या देंगे, जो कि यूजीसी नेट एग्जाम देंगे। कॉमर्स और आर्ट्स वाले सब्जेक्ट वाले क्या देंगे, यूजीसी नेट एग्जाम देंगे, उनके लिए कितना सीट है, उनके लिए 750 सीट है। और सीएसआईआर नेट के लिए कितना सीट है, सीएसआईआर नेट के लिए हमारा है, सीएसआईआर नेट के लिए 250 सीट है, सीएसआईआर नेट के लिए 250। और जो कॉमर्स और आर्ट्स वाले जो नेट जेएलएफ का एग्जाम देंगे उनके लिए कितना सीट है, 750 सीट है, ओके। चलिए अब अमाउंट दिखा देता हूं फटाफट। ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप, एमफिल, एमफिल तो अब खत्म हो चुका है, पीएचडी 5 साल के लिए 2 years, जेआरएफ होगा रिमेनिंग 3 years, आपको क्या मिलेंगे, एसआरएफ मिलेंगे, मतलब 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलेगा। रेट ऑफ फेलोशिप
फेलोशिप का रेट क्या होगा, अभी मैं काउंट करके दिखाता हूं। रेट ऑफ फेलोशिप 5 साल के लिए, रेट ऑफ फेलोशिप बोला कि फेलोशिप इन द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंटी, उनको कितना मिलेगा 31,000 पर मंथ फॉर जेआरएफ, कितना जेआरएफ अमाउंट 31,000 रुपया पर मंथ, पर मंथ मतलब एक साल का आप काउंट कर लेना, एक साल का काउंट कर लेना कितना हो जाएगा, 30 पहले ही 12 + 2 = 36 और 137 372,000 रुपए केबल और केबल किससे आ रहे हैं, केबल और केबल आ रहे हैं जेआरएफ अमाउंट, जेआरएफ अभी करो ठीक है। इसके बाद कंटीजेंसी फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस कितना, 10,000 पर एनम फॉर इनिशियल 2 ईयर्स, तो 10,000 उसमें और जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना 10,000 और ऐड कर दीजिए इसमें, 372,000 उसमें 10,000 और ऐड कर दीजिए ठीक है। इसके बाद आपको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, क्या मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस भी आपको मिलता है, एचआरए भी मिलती है, क्या मिलती है, एचआरए भी मिलती है, मतलब एचआरए वो कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है अलग अलग नहीं, 6%, 8% और 12%। हमारा दरभंगा जो शहर है वो 8% कैटेगरी में आता है, किसमें 8% कैटेगरी में, तो करीबन जो आपका अमाउंट है ये वाला 31,000 का 8%, 31,000 कितना 8%, 31,000 का 8% कर लीजिए कितना 2480 रुपए, मतलब करीबन 2500 × 12 कितना हो जाएगा, 2 × 0 = 6 × 12 = 24 × 6 = 30 करीबन कितना 30,000 रुपए आप जोड़ लीजिए, 2 + 7 = 8 + 11 = 1 + 3 = 4 4,12,000 कितना 4,12,000 और ये कितने साल तक, 2 साल ये मिलेगा पहले, तो कितना हो जाएगा 8,24,000 रुपए, 8,24,000 रुपए काउंट करते जाइएगा। अब 3 साल के लिए एसआरएफ जब ही होंगे आप तो कितना मिलेगा स्कॉलरशिप, 35,000, कितना मिलेगा 35,000, अब 35,000 × 12 कर दीजिए, 35,000 × 12 कितना हो जाता है अमाउंट, 0 × 12 = 60 × 12 = 36 = 42 4,20,000 हुआ ठीक है एक साल का। इसके बाद 10,000 कंटीजेंसी क्या होगा, 10,000 कंटीजेंसी मिलेंगी ठीक है। इसके बाद अब क्या हो जाएगा, 3500 का 8% मिलेगा आपको एचआरए, सॉरी 35,000 का 8% मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 0 0 5 8 4 4 3 8 24 4 28 2800 करीबन कितना 2800, अब 2800 × 12 कर दीजिए कितना हो जाएगा, 0 0 8 6 6 9 24 और 9 33 33,600 ये 4,63,600 इसको गुणा 3 कर दीजिए, कितना कर दीजिए, गुणा 3 कर दीजिए कितना हो जाएगा, 4,63,600 मतलब यहां पर कितना आता है, 4,12,000। मैं इसको काउंट करके अलग से दिखाता हूं, इसको काउंट करके अलग से दिखाता हूं कितना अमाउंट, देखते रहेंगे आप लोग अमाउंट कितना मिल रहा है, 4,12,000 हमने काउंट किया था ना, 4,12,000 2 साल तक, और 4,63,000 रुपए कितने साल तक, 3 साल, कितने साल तक, 3 साल तक।